ओके, थैंक यू. आपने इस वीडियो पे क्लिक किया. और अगर आप ये PUS सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, और अगर आप इसको लर्न कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें, टाइम निकाल के ये पूरी वीडियो देखें. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस पूरी सीरीज़ में. और इसके इम्पॉर्टेंट होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि छोटी मोटी करेक्शंस हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं. मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एक्चुअली. इस वीडियो में टेस्टिंग करते हुए दिखाया गया है, और डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशंस की टेस्टिंग की है. तो कुछ सिचुएशंस में ऐसे मुझे थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर चेंज करनी पड़ी हैं. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको आप जो आपने डेटाबेस बनाया है या एप्लीकेशन बनाई इस वीडियोस को देख के, तो आप उनमें करेक्शन कर सको. तो थैंक यू वेरी मच, और इन्जॉय करें. हेलो हेलो, वेलकम टू लूप लर्निंग्स. और आज की वीडियो नंबर है 30. और आज की वीडियो तकरीबन लास्ट वीडियो होने वाली है. तकरीबन क्या, लास्ट वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ की, POS सिस्टम की. उसकी वजह यह है कि हमने डेटाबेस बना ली, हमने फॉर्म सारे बना लिए, हमने क्यूरीज बना ली हैं. हाँ, रिपोर्ट्स रह गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है एप्लीकेशन का. तो वो हम डेफिनेटली बनाएंगे फ्यूचर में कभी. मैं शायद इसको मैं कंप्लीट करूँगा रिपोर्ट्स बना के भी. तो लेकिन अब तक जो हमने जो कुछ भी बनाया है, वो बिल्कुल जो हमने मेन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो हमने कवर की हैं इसके अंदर. और मैं अभी आज की वीडियो में हम इसकी टेस्टिंग करने वाले, जो भी हमने काम किया अभी तक उसकी टेस्टिंग करेंगे, और उसको जो भी उसमें एरर्स आएंगे, एरर्स डेफिनेटली हमें आएंगे, वो एरर्स को हम सॉल्व करेंगे. उनको कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम जितने भी हैं उसके अंदर वो ख़त्म हो जाएँ, ताकि आपको मैं शो केस कर सकूँ कि एरर्स आएंगे, एरर्स आते हैं. और ये अच्छी बात है कि आपको एरर्स आएँ, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि ऑपरेशनल एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाने से पहले, यानी कि इस्तेमाल होने से पहले, अगर कोई एरर है तो वो उस एरर को सॉल्व कर लिया जाए. तो यही मकसद होता है टेस्टिंग का. ठीक है, तो आज की वीडियो मैं मतलब डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ज़रूर कर लें, और बेल का आइकॉन भी हिट करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा. ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग. अच्छा, सबसे पहला काम तो मैं ये करना चाहता हूँ कि हम इन्वेंट्री कुछ परचेज करते हैं. अभी अगर यहाँ पे हम देखें तो इन्वेंट्री हमारी ऑलमोस्ट 0-0 है. तकरीबन सारी आइटम्स, बस एक या दो आइटम में कुछ एक दो पीसेस पड़े हुए हैं. तो सबसे पहले तो हम जो इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो वो हम करेंगे परचेज ऑर्डर के थ्रू. अब परचेज ऑर्डर के लिए सप्लायर्स का भी होना ज़रूरी, तो चलो हम सप्लायर्स को भी टेस्ट कर लेते हैं. तो इसमें अभी तक कोई सप्लायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे हम सप्लायर क्रिएट करते हैं सबसे पहले. तो और सप्लायर का नाम रखते हैं जैसे ABC कॉर्प. ठीक है, ABC कॉर्पोरेशन. कॉन्टैक्ट पर्सन लेट्स से मिस्टर कॉर्पोरेशन. डमी बना रहा हूँ मैं ऐसे ही. ठीक है, सम सिटी सम कंट्री. क्रेडिट डेज में भी 10 दिन है. बैंक की लेट से डमी इंफॉर्मेशन है. इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड डमी नेम. अकाउंट नेम भी ABC कॉर्पोरेशन. ठीक है, अकाउंट नंबर कुछ भी हम लिख सकते हैं. 0123456 7 8. IBN नंबर भी ऐसे ही डमी. सही है. लाइसेंस डिटेल हम लिख सकते हैं LIC. रैंडम नंबर डमी इंफॉर्मेशन है, तो हम रैंडम ही सेव करेंगे. तो ये सेव हो रही है इंफॉर्मेशन, और शो ऑल करते हैं, तो बूम, हमें ये मिल रहा है. तो ये तो काम कर रहा है. ठीक है भाई, सो सप्लायर भी क्रिएट हो रहा है. हम सर्च करके देख ले. अभी फ़र्ज़ करें XYZ में सर्च करता हूँ,
तो इसमें क्योंकि नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं शो होना चाहिए, शो ऑल करूँगा तो वापस सारी रिकॉर्ड आ जानी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो हमारा काम कर रहा है। चले अभी हम पहले मैं देखता हूँ इसमें प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं। प्रोडक्ट्स बिल्कुल हैं। अच्छा तो अभी हम परचेज ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। परचेज ऑर्डर्स कुछ भी नहीं शो हो रहा। ऑलराइट, सो इसका मतलब इसमें कुछ लफड़ा है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं इस बटन के, डॉट डॉट डॉट, क्या हुआ है भाई, परचेज ऑर्डर्स क्रिएट पीओ, ये तो हो रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं। फॉर्म्स डायनामिक एफ डायनामिक रोसोस सेलेक्ट परचेज आईडी कैटेगरी प्रोडक्ट टोटल प्राइसिंग सीम्स टू बी वर्किंग। पीओ क्यूरी है इधर, पीओ क्यूरी नहीं है। ओके फ्रॉम पीओ क्यूरी, पीओ क्यूरी। ओके सबसे पहले तो हम ये क्यूरी क्रिएट करते हैं क्योंकि क्यूरी से इंफॉर्मेशन ली है मैंने ये परचेज ऑर्डर्स की, ठीक है। क्योंकि अगर हम परचेज टेबल में जाते हैं तो यहाँ पे देखें कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट का आईडी है, तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर नहीं है, तो लिहाजा इसकी हम क्यूरी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें तो आईडी नहीं चाहिए, हमें तो नाम चाहिए ना, ताकि यूज़र के लिए ईजी हो पढ़ना। सो हम जाएंगे परचेज में, हमें चाहिए क्या क्या, कोड में क्या है, परचेज आईडी कैटेगरी प्रोडक्ट क्वांटिटी। सो इसका मतलब हमें कैटेगरीज टेबल भी लाना है, हमें प्रोडक्ट्स टेबल भी लाना है, ठीक है, और क्या है, दैट इज़ इट। सो परचेज आईडी आ गया, कैटेगरी आ गई, प्रोडक्ट आ गया, परचेज आईडी कैटेगरी प्रोडक्ट क्वांटिटी। सो हमने जो क्वांटिटी कितनी हमने परचेज की है, ठीक है, उसके बाद टोटल प्राइस, टोटल प्राइस परचेज की ये आ गई, उसके बाद इन्वेंट्री स्टेटस, तो ये इन्वेंट्री स्टेटस आ गया। ऑलराइट सो ये कुछ हमारे पास हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, नाम देंगे हम पी ओ क्यूरी। ओके मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यूरी बनाई क्यों है। क्यूरी इसलिए बनाई क्या कि भाई साहब अगर आप परचेज टेबल्स, हम परचेज टेबल से भी रिकॉर्ड ले सकते हैं, लेकिन परचेज टेबल से रिकॉर्ड डायरेक्टली इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट आईडी उसमें शो होने थे, तो हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें तो नाम चाहिए ना, ताकि यूज़र के लिए ईजी हो। अब आईडी अगर देना यहाँ पर शुरू हो जाए यूज़र को, तो यूज़र कितने आईडी याद रखेगा या रखेगी। सो यूज़र के लिए हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये क्यूरी बनानी है। सो अभी डेफिनेटली ये काम करेगा। लॉगिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखें टेस्टिंग का यही फ़ायदा है, इसी तरह के एरर्स आपको मिलेंगे और उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। किधर थे हम, परचेज ऑर्डर्स, ठीक है, देखें अभी रिकॉर्ड सारे आ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो दो क्वांटिटी हेड एंड शोल्डर जीआरएन पे है, जीआरएन पे मतलब कि हमें ये रिसीव हो चुकी हैं ये आइटम। सबसे पहले तो मुझे ये करेक्ट करना है, इसको शॉर्ट टीट फॉर्मेट इसका चेंज करना है, तो वो चले हम वो कर लेते हैं। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ट्यू ऑन रिसीव्ड ऑन, जहाँ भी डेट और टाइम का है उसको सबको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी शीट में जाना है, फॉर्मेट में जाना है और शॉर्ट टीट, ठीक है जी। अब लॉगिन दोबारा कर लेते हैं, ये बैक एंड फोर्थ लॉग इन लॉग आउट ये सब करना पड़ेगा आपको। परचेज ऑर्डर में जाते हैं, अब ये जीआरएन है, जीआरएन का मतलब है कि आपने रिसीव तो कर लिया सामान लेकिन ये अभी तक सिस्टम में शो नहीं हो रहा। देखिए हेड एंड शोल्डर अभी हमारे पास कितने हैं, एक आइटम पड़ा हुआ है, लेकिन दो ऑलरेडी हमने रिसीव कर चुके हैं, हमने सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया और शेल्फ के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, तो सिस्टम में रिसीव करने के लिए, करंट स्टॉक करने के लिए इसको हमें प्रॉपरली एक रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा,
क्योंकि जब भी सप्लायर सामान भेजेगा तो उसका कोई इनवाइस नंबर होगा, ठीक है ना। करंट स्टॉक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि ये अपडेट हो जाना चाहिए, हेड एंड शोल्डर अभी एक है ना, सो डेफिनेटली इस पे जब हम फोकस जाएगा हमारा तो ये अपडेट हो रहे हैं। देखें तीन पीस हो गए अभी, ठीक है, तो अपडेट हो गया। जब हमने रिसीव कर लिया, सिस्टम अपडेट हो गया, तो ये रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सो इस तरह करना चाहिए हमें। परचेज प्राइस, ओके ओके ओके, समझ आ गई भाई, समझ आ गई। ओ भाई गुस्सा नहीं करो यार, समझ आ गई है। ओके सो हमने जो कोड किया था यहाँ पे, अब अगर हम जहाँ यहाँ पे जाते हैं शो ऑल सॉरी सर्च पे, तो चले हम चलते हैं परचेज ऑर्डर, यह परचेज ऑर्डर। ओके सो परचेज आईडी, कैटेगरी, क्वांटिटी, टोटल प्राइस फ्रॉम पीओ क्यूरी, वेयर प्रोडक्ट लाइक। सो बेसिकली इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दी हैं जिसकी वजह से शायद एरर आ रहा है, क्योंकि क्योंकि उसमें शो तो हो रहा है सारा रिकॉर्ड। तो चले हम टेस्ट कर लेते हैं। राइट सो लेट्स से हम सर्च करते हैं तेरी परचेज प्राइस, टोटल प्राइस आना चाहिए यार, यहाँ पे परचेज प्राइस नहीं है। परचेज और टोटल प्राइस ये है ही नहीं, परचेज प्राइस तो हमने क्यों इधर लिया हुआ है, इसकी क्यूरी किधर है, पीओ क्यूरी। सो जनाब प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, टोटल प्राइस है और इन्वेंट्री स्टेटस है। सो प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, टोटल प्राइस, इन्वेंट्री स्टेटस, करेक्ट। तो शो ऑल में भी हम देख लेते हैं, शो ऑल का बटन किधर है भाई, उसकी कोडिंग किधर है, क्रिएट का भी देख लेते हैं, परचेज ऑर्डर्स, परचेज एफ, करेक्ट, ये तो ठीक है। शो ऑल ये बटन है इसका, परचेज ऑर्डर्स ये है, परचेज आईडी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, परचेज प्राइस नहीं है, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, इन्वेंटरी स्टेटस। ओके अब काम करना चाहिए इसको, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो लॉगिन कर लेते हैं। ओके अब सर्च करते हैं डेयरी, क्या भाई साहब, सॉरी ये प्रोडक्ट के नाम पे सर्च हमने की हुई है, तो मिल्क हो रहा है सर्च, शो ऑल, योगर्ट हो रहा है सर्च, शो ऑल, परफेक्ट। सो अभी थैंक गॉड काम कर रहा है ये, ठीक है। चले अब हम जी पीओ क्रिएट करते हैं, सब आइटम्स के लिए हमें कुछ सामान परचेज, क्रिएट पीओ, यस। और यहाँ पे आ गए हम सबसे पहले पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में कौन कौन सी आइटम है, शैम्पू है, लेट्स से हम 10 पीस ऑर्डर करते हैं और सेव करते हैं, क्रिएट पीओ। अब सामान आ गया है हमारे पास, सामान आ गया है तो उसके साथ सप्लायर ने इनवॉइस भी भेजी होगी, उसका नंबर, कितना सामान आया, हमने 10 पीस ऑर्डर किए, 10 रिसीव हुए, रिसीव करना, उसका GRN स्टेटस हो जाएगा, करंट स्टॉक उसमें आ जाएगा, यहाँ पे भी करंट स्टॉक अपडेट हो जाना चाहिए 10 पीसेस। सो हेड एंड शोल्डर शैम्पू 3 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे 13 हो जाने चाहिए, तो हम देखते हैं होते हैं कि नहीं, और बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, 13 पीस हो गए हैं, स्टॉक अपडेट हो गया, फैंटास्टिक, काम कर रहा है, यही चीज़ हमने टेस्ट करनी है, ठीक है ना। फिर हम डेयरी प्रोडक्ट जाते हैं, मिल्क, लेट्स से 10 क्वांटिटी, सेव, क्रिएट पीओ। अच्छा ये जो बटन मैं इमीडिएटली प्रेस करता जाऊँ, ये प्रोसेस अगर रियलिटी में देखा जाए तो बहुत टाइम लगता है, पहले
पीओ क्रिएट होता है, एक दो दिन लगता है उसको अप्रूव होने में, फिर उसके बाद जाके गुड्स रिसीव करने में, यानी कि फिर ऑर्डर होता है, फिर आपके पास सामान आता है कुछ घंटे या कुछ दिनों में, फिर उसके बाद रिसीव गुड्स होता है, फिर कुछ घंटों में करंट स्टॉक होता है, तो ये प्रोसेस पूरा कुछ टाइम लेता है। हाँ, यहाँ पे तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फटाफट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो करके तो मैं बटन प्रेस करता जा रहा हूँ और प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि हम टेस्टिंग में हमने यही चेक करना कि जो स्टेप फ्लोज है, फ्लो है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये हमने चेक करना, ठीक है ना। सो रिसीव गुड्स, क्रिएट पीओ, रिसीव गुड्स, और यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स सप्लायर अपनी इनवाइस नंबर भेजेगा, कितने पीस ऑर्डर किए थे, 10 किए थे, 10 हमें रिसीव हो गए, रिसीव गुड्स हो रहा है, करंट स्टॉक हो रहा है, मिल्क 1 लीटर का, यहाँ पे जनाब कितनी क्वांटिटी है, अभी 10 अपडेट हो चुकी है, फैंटास्टिक। क्रिएट पीओ करते हैं, अब हम नहीं भाई, डेयरी प्रोडक्ट उसमें योगर्ट परचेज कर लेते हैं 10 पीस, ये भी ले लेते हैं, सेव किया, क्रिएट किया, अब सामान हमारे पास आ गया, तो उसका इनवॉइस नंबर 10 पीस रिसीव हो गया, हमने स्टॉक भी डाल दिया, योगर्ट यहाँ पे 10 अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते जाएं, देखें मैं जो ही इन्वेंट्री रिकॉर्ड करंट स्टॉक करता हूँ, यहाँ पे स्टॉक अपडेट हो जाता है अवेलेबल टू सेल। ये ब्यूटी है VBA की, रिकॉर्ड सेट की, आप अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप इंजॉय भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा कि यार ज़बरदस्त, मैंने ये चीज़ खुद से क्रिएट की है। सेव किया, क्रिएट किया, रेफरेंस नंबर दिया, आप देख रहे हैं स्पीड, देख रहे हैं स्पीड, देख रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त, यही VBA का, यही फैंटास्टिक स्टाइल है। बटर भी देखो 0 and 10 हो गया, फैंटास्टिक। चले कुकिंग ऑयल भी 8 पीस ले लेते हैं, सो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग ऑयल 8 पीस, ये सेव किया, क्रिएट किया, इनवॉइस नंबर डाला, जो जिस इनवॉइस के अगेंस्ट सप्लायर ने हमें सामान डिलीवर किया है उसको रिसीव कर लिया, करंट स्टॉक में डाल दिया, कुकिंग ऑयल भी 10 पीस हो जाना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं, एम्प्लॉयज़ देखेंगे, एक एम्प्लॉय है, चलो एक एम्प्लॉय हम क्रिएट कर लेते हैं, चेक करते हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय टू, फादर टू, CNIC नंबर, डमी, ठीक है जी, ये डमी नंबर ऑफ कोर्स मैं लिख रहा हूँ, समवेयर इन द वर्ल्ड, डेजिग्नेशन सेल्समैन, बेसिक सैलरी 15,000, अलाउंसेस 2,000, यूज़र ID एम्प्लॉय टू, Employee 2, ठीक है, स्टार्ट डेट लेट से आज की, सेव डेटा, सेव किया, शो ऑल, फैंटास्टिक, ओपन किया, बिल्कुल हो रहा है, तो ये काम तो बराबर कर रहा है। चलो अभी हम इसमें सर्च भी कर लेते हैं, Employee 2, तो सर्च हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारा, अब एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको पे भी देनी है, पेरोल, तो पेरोल भी क्रिएट करेंगे, पेरोल में थोड़ा काम होने वाला है, मुझे पता था, उस पर हम काम करते हैं, मैं चाहता था कि आपको मैं वीडियो पे ये शो करूं, तो क्रिएट पेरोल करता हूं मैं, ठीक है जी। यहां पे हम देखते हैं कि जी पेरोल फॉर, यानी कि अक्टूबर की सैलरी देनी है, सेव करते हैं। अब काम क्या होने वाला मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये होने वाला है कि जी ये जो नेट पेएबल है, यहाँ पे मैं सैलरी जब ऐड करूँ फर्स्ट एम्प्लॉय की, तो जितनी सैलरी हमने पे करनी है उसका नेट पेएबल यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं ग्रॉसरी शॉप में काम कर रहे हैं, तो 10 एम्प्लॉयज़ को जब हम ऐड करेंगे सैलरी, तो वो टोटल सैलरी यहाँ पे शो होनी चाहिए, ताकि जो ऑनर है बिज़नेस का या ग्रॉसरी शॉप का या जहाँ भी इस्तेमाल होगी, उसको पता हो कि हमने कितनी सैलरी पे की है, ठीक है। सो ये चीज़ हम कैलकुलेट करना चाह रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐसा कोई कोड लिखा है पहले जिसके थ्रू ये हम फंक्शन अचीव कर सकते हैं। अब ये किस तरह अचीव होगा, ये हम अचीव करेंगे रिकॉर्ड सेट्स के साथ, तो चले अब हम रिकॉर्ड सेट्स पे चलते हैं, वो हम थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी वो कर लेते हैं, उससे पहले मुझे इसका जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट डेट करना पड़ेगा, शॉर्ट डेट, ठीक है,
इसका भी शॉर्ट डेट, इसका तो ऑलरेडी है। तो इसको मैं फॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ, इवेंट टैब में जाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली, जिस तरह वो डैशबोर्ड में इन्वेंट्री का स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ना कुछ चेंजेस के बाद, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर कोई चेंज हो तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड के बाद इसको अपडेट कर दूँगा, इसको फॉर्म को, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। अच्छा, अब हमने जब, आपको पता है अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैं रिकॉर्ड सेट का एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें। 24, 25, 26, 27 नंबर वीडियोस जो हैं इस सीरीज़ की, उसमें सब रिकॉर्ड सेट्स के बारे में बताया हुआ, तो आप ज़रूर देखें वो वीडियोस, ठीक है। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर 5 सेकंड के बाद अगर कोई सैलरी ऐड होती है, रिमूव होती है, डिडक्ट होती है, जो भी अपडेट होती है, मॉडिफाई होती है, उसका जो अपडेट है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन हमने लेनी कहाँ से है कि जी सैलरी कितनी है इस महीने की, ठीक है, वो हमने लेनी है एक क्यूरी से। अब हम क्यूरी बनाएंगे एक, ठीक है, क्यूरी बनाएंगे, क्यूरी डिज़ाइन हम लेंगे, पेरोल, पेरोल लाइंस, ठीक है। पेरोल किस, कौन से महीने का पेरोल, और पेरोल लाइन से हम नेट पेएबल उठाएंगे, ठीक है। सो इसको हम सम कर देंगे, सम, और अभी क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें तो इसलिए कुछ भी ऐसे ब्लैंक शो कर रहा है। इसका हमने जो नॉम, ऑलराइट, सो अब ये बराबर हो गया है, नेट पेएबल, पेरोल फॉर, इसका हम नाम रखते हैं सैलरी क्यू, क्यू क्यू लेटर क्यू, ओके ओके। सो अब इस, ये हमारा रिकॉर्ड सेट बन गया है सैलरी क्यू, इसको हम रेफर करेंगे, जो इसमें पेरोल जिस महीने का है उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जानी चाहिए। तो चले अब हम VBA में चलते हैं। VBA में जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि एरर हैंडलिंग हमने पकड़नी है, ऑन एरर, रिज्यूम, नेक्स्ट, ठीक है। अब हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल dim salary as record set, ठीक है, set salary is equal to current tb dot open record set, कौन सा record set, जो अभी हमने query create की है salary queue, db snapshot, db read only, ओके okay? ये आ गया हमारा सैलरी डॉट डॉट फाइंड फर्स्ट, क्या पहले तलाश करना है, पेरोल फॉर, ये हमने तलाश करनी है, ये फील्ड कहाँ पे तलाश करनी है, इस क्यूरी में, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे इसकी पहली जो फील्ड है वो पेरोल फॉर है। अब यहाँ ये पेरोल फॉर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वेल हम रेफर कर रहे हैं इस पेरोल फॉर्म को, आप देखेंगे पेरोल फॉर इस फॉर्म में भी है और इस क्यूरी में भी है, तो हम इन दोनों को मैच कर रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड इसमें क्यूरी में है कि नहीं, तो ये हमने किया है, ठीक है। एम्फरसैंड मी डॉट पेरोल फॉर, ठीक है, तो हम ये मैच कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे इफ सैलरी डॉट नो मैच इज इक्वल टू ट्रू, देन अगर ये इस क्यूरी में आपको रिकॉर्ड नहीं मिला इस महीने का तो फिर क्या करना चाहिए, वेल फिर सिंपल है, फिर ये जो फॉर्म है मी डॉट नेट पेएबल, मी डॉट नेट पेएबल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो बाई ज़ीरो, एल्स अगर तो मैच हो जाता है तो फिर इस कॉलम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आप कॉपी कर दो। तो हमने ये उसको कहना है मी डॉट नेट पेबल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सैलरी एक्सक्लेमेशन मार्क, हम रेफर कर रहे हैं हमारे रिकॉर्ड सेट को, नेट पे एबल, नेट पे एबल, परफेक्ट एंड इफ। सो
होगा क्या, बेसिकली हर 5 सेकंड के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये कोड रन करेगा, ठीक है। और जो भी अपडेट्स होंगी, जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन होगी, वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। सो ये मैं करना चाह रहा था। अब एक और चीज़ हमने करनी, वो ये है कि इस लिस्ट बॉक्स के जब डबल क्लिक करना है, तो जो पेरोल लाइन आईडी के हिसाब से वो फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। सो चले हम वो भी कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, इवेंट टैब ऑन, डबल क्लिक इवेंट, ये आ गया। ओके, आपको पता है कि सबसे पहले मैं एरर हैंडलिंग ही लूँगा, ऑन एरर, रिज्यूम नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम कहेंगे इफ इज नल मी डॉट लिस्ट, इस लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है भाई, पेरोल लाइंस लिस्ट, मी डॉट पेरोल लाइंस लिस्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू cmd डॉट पीप मैसेज बॉक्स दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, जब खाली है वो तो क्यों, क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है उससे, वी बी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। else do cmd dot open form, कौन सा फॉर्म, well ये वाला फॉर्म हम ओपन करना चाह रहे हैं, पेरोल लाइन एफ, ये वाला फॉर्म। तो एरर से बचने के लिए मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ नाम, ओके, कॉमा कॉमा कॉमा, वेयर कंडीशन लगानी है हमने, पेरोल लाइन आईडी इज इक्वल टू, लग रही है नाम सही हो, पेरोल लाइन आईडी एम्फसाइन मी डॉट पेरोल लाइंस लिस्ट डॉट कॉलम 0, ओके। एंड इफ, अच्छा इसमें देख ही लेते हैं ना, पेरोल सिंगल एल लाइन आईडी, करेक्ट, ओके करेक्ट, ठीक। तो ये थोड़ी सी करेक्शन आप कर लें अगर आपने मुझे फॉलो करके तो ये बनाया है। तो चले अब लॉग इन कर लेते हैं दोबारा, और हम जाएंगे एम्प्लॉय वन पेरोल में जाते हैं, पेरोल ओपन किया। अब यहाँ से मैं ये, ओके, ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद ब्लॉक, वो क्या एरर रहा है ब्लॉक, हाँ ओके समझ आ गई भाई, हर 5 सेकंड के बाद आ रहा है ना, बता रहा है वो आपको कि भाई साहब मैं काम कर रहा हूँ। तो चलें देखते हैं क्या एरर है भाई, विद ब्लॉक, टीम सैलरी इज रिकॉर्ड सेट सैलरी, बिल्कुल सही है, सैलरी डॉट फाइंड फर्स्ट, इफ सैलरी डॉट नो मैच इज ट्रू, वेयर इज द एरर। सबसे बेहतरीन तरीका है इसको हम कमेंट कर देते हैं, फिर हमें आराम से एरर का पता चलेगा, ठीक है। सो अब इस पे हम चलते हैं, एरर आएगा देखते हैं, आया एरर टीबक, सेट सैलरी इज इक्वल टू करंट टीपी डॉट ओपन एम्प्टी, हाँ
सीवी ओपन स्नैपशॉट, छोटी सी गलती हो जाए ना तो बस उधर ही प्रॉब्लम हो जाती है। ओके सो अभी तो 5 सेकंड हो गए हैं तो एरर नहीं आया, तो इसका मतलब चेक करते हैं पेरो सैलरी क्यू, चेक करते हैं 17,000। तो अगर हम लॉगिन करें के पेरो में गए और देयर यू गो, अपडेट हो गया, इसका मतलब कोड काम कर रहा है। इसको हम ओपन करते हैं, इंसेंटिव देना चाहिए, दे देते हैं यार 2500 रुपये। इंसेंटिव सेव क्लोज, ओह ये स्टेटस डेट, इसको भैया नहीं भैया आपको पता है ये शॉर्ट डेट करना है तो सही हो जाएगा। अब हम दूसरा ऐड करते हैं, सेव डेटा, सैलरी डिडक्शन नहीं यार छोड़ो, 2500 इंसेंटिव इनको भी दे देते हैं। पेरोल हैज़ बीन अपडेटेड फॉर द इंडिविजुअल, सिर्फ मैसेज बॉक्स थोड़ा सा ये भी करेक्ट कर ही लेते हैं यार। आपको मतलब ये ना सोचोगे यार इस बंदे ने मैसेज बॉक्स का, पेरोल हैज़ बीन क्रिएटेड वी बी इंफॉर्मेशन, ओके वी बी इंफॉर्मेशन, राइट ये हो गया और परफेक्टली फाइन। इसकी शॉर्ट डेट करनी है, ठीक है जी। देखें मैं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार बोरिंग है ये ट्यूटोरियल, स्लो है बहुत, ट्रस्ट मी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्यूटोरियल। आज अभी से अभी तक जितने भी आपने ट्यूटोरियल देखे मेरी वीडियो में, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर हैंडलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोड तो कोई भी लिख लेगा, आप कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब एरर आ जाए, उसको कैसे सॉल्व करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ये नज़र डालें, आपने बिल्कुल इस पर नज़र डालनी है और इसको सीखना है, सिर्फ नज़र ही नहीं डालनी, ठीक है ना। सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ अब सैलरी सबको दे चुके हैं तो कंप्लीट कर देते हैं पेरोल को। चलो पेरोल कंप्लीट हो गया, सैलरी दे चुके हैं भाई, ठीक है जी। 39,000 रुपये सैलरी 2 एम्प्लॉयज़ को दे दी है, मुबारक हो। एनीवे सो ये पेरोल भी काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ का भी काम कर रहा है। चले अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है, नया एक्सपेंस लेट से हम अक्टूबर के महीने का एक्सपेंस क्रिएट करते हैं, लेट्स से इंटरनेट बिल पेमेंट, ठीक है। सो ये हमने पे करना है इंटरनेट का। एक्सपेंस टाइप बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे हम टाइप करते हैं इंटरनेट, आ गया ना। जो हमें बिल रेफरेंस नंबर है जो इंटरनेट कंपनी ने भेजा है वो हम रेफरेंस नंबर इधर डाल सकते हैं। कितना बिल आया हमें जी, लेट्स से 5,000 रुपीज़, हमने कितना पे किया 5,000, कैसे पे किया, कैश से पे किया, कब पे किया, आज पे किया, ठीक है। कोई रिमार्क्स लिखना है तो वो भी लिख दो, आप सेव कर दो फिर पे कर दो, राइट। सो यू ऑल परफेक्ट। सो एक्सपेंस भी क्रिएट हो रहा है और ये भी ठीक हो गया। अब चलते हैं कैटेगरीज, सर्च करते हैं पहले डेयरी कैटेगरी, हमारे पास है, बिल्कुल है, शो ऑल काम कर रहा है। नई कैटेगरी हम क्रिएट करते हैं, लेट से फैशन, सेव डेटा, मेरे पास पिक्चर नहीं है लेकिन होल पर्पज़ इज़ टू जस्ट चेक। सर्च करते हैं फैशन कैटेगरी, बिल्कुल हो रही है सर्च, इसका मतलब ये भी काम कर रहे हैं परफेक्ट। हम जाते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल, बिल्कुल सर्च हो रहा है, शो ऑल भी हो रहा है। नई प्रोडक्ट क्रिएट हो सकती है, देखते हैं भाई क्रिएट होती है कि नहीं। कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी नहीं है, इसका मतलब कैटेगरीज क्यों नहीं है, कैटेगरी तो होनी चाहिए।
तो चले हम देख लेते हैं क्या एरर है भाई। इसलिए तो टेस्टिंग होती है, डेटा में जाते हैं तो कैसे टेस्टिंग होगी जब हमारे पास कोई इसमें बैकएंड पे रिकॉर्ड ही नहीं है कैटेगरीज। ओके अब आएंगी कैटेगरीज, क्यों नहीं आएंगी, इसीलिए कहता हूँ टेस्टिंग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप आइडेंटिफाई करो, उधर ही सॉल्व करो। ठीक है, प्रोडक्ट में गए, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, यस, कैटेगरीज आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेट्स से पर्सनल केयर में हेयर ऑयल, ओके हेयर ऑयल, आमला हेयर ऑयल, कोई भी आप डाल लें, मैं डमी डाल रहा हूँ। चूज सप्लायर, सप्लायर भी नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस, ओके सप्लायर भी देखते हैं, डेटा में जाते हैं, सप्लायर, सप्लायर आईडी, सप्लायर, लेकिन हमें जो सप्लायर है वो एक्टिव चाहिए, इनएक्टिव सप्लायर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको कंडीशन लगा देंगे। तीन कॉलम है हमारे पास, फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम काउंट 3, लास्ट वाला भी हम उसको हाइड कर देंगे। ओके अब लॉगिन करते हैं। दिस इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू चेक, टू डू टेस्टिंग। बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स में भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, सो नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। आमला हेयर ऑयल ABC Corp, purchase price let's say 150 rupees, selling price 170, tax rate 5%, save। पिक्चर नहीं है वरना मैं लगा देता, बिल्कुल आ गया। ये क्या है भाई, टमी रिकॉर्ड है। चलो एक और क्रिएट कर ले, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क 2 लीटर, ओके ABC Corp, let's say 200 rupees, selling price 220 rupees, tax 5%, okay, cool, open हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मिल्क सर्च करते हैं, बिल्कुल हो रहा है, दो टाइप का मिल्क है, शो ऑल, फैंटास्टिक, इट इज़ वर्किंग। इनवाइसेज अभी तक कोई इनवाइस क्रिएट नहीं हुई, तो लिहाजा हम वो नहीं कर सकते। अभी हम जाते हैं जो हमारा मेन फॉर्म है, सेल्स ऑर्डर, ये मेन फॉर्म है हमारा। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस करने वाले होंगे डेफिनेटली, तो वो हम कर लेते हैं, इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं। और पर्टिकुलरली चेंजेस जो करने वाली होंगी वो होंगी हमारे इनवॉइस में। सो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ और यहाँ पर हम ये आइटम ऐड करते हैं, कोई फर्स्ट करो, मैंने मिल्क ऐड किया, देखें उधर क्वांटिटी एक लेस होगी, देखा। ये ज़बरदस्त चीज़ है, ये जो ऑटो अपडेट का है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। योगर्ट ऐड किया, इधर योगर्ट भी कम हो गया, फैंटास्टिक। डिस्काउंट परसेंटेज, लेट से हम 5% डिस्काउंट दे देते हैं जी कस्टमर को, यार दोस्त है हमारा, कोई बात नहीं यार। क्रिएट इनवॉइस की, तो इधर कौन सी प्राइस आ रही है, 151, ठीक है। सो बेसिकली ये जो प्राइस है डिस्काउंट के बाद वो आ रही है। अब अगर डिस्काउंट मज़ीद देना हो तो फिर क्या करें, ठीक है। यू कांट असाइन वैल्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, क्यों भाई साहब, ओके मी ऑर्डिनेट आर एस पी इज इक्वल टू, ओके ठीक है जी, तो ये नहीं हो रहा, डिस्काउंट नहीं हो रहा, देख लेते हैं, सेव, बाकी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं ना। अब अगर मैं कंप्लीट पेमेंट पे, कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस भी कंप्लीटेड हो जाना चाहिए, यस पार्शियल अमाउंट इज पेड। अमाउंट कलेक्शन पे हमने तो कुछ डाला ही नहीं है, सो इसलिए वो पार्शियल अमाउंट का कह रहा है,
सो इसको हम चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा इसको हम देखते हैं क्या है। इनवॉइस में जाते हैं, पहले तो मैं रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं हुआ, फंटास्टिक। ऑर्डर्स टैब में जाते हैं, ऑर्डर्स टेबल में जाते हैं, तो इसका मैं स्टेटस पार्शियली कलेक्टेड से निकालता हूँ और इनवॉइस नंबर भी इसका ज़ीरो करता हूँ। बेसिकली बैक टू द सेम। अब जाते हैं हम इनवॉइस फॉर्म में, किधर है भाई इनवॉइस, यहाँ पे जाते हैं कलेक्ट पेमेंट इवेंट टैब। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ इनवॉइस स्टेटस सिर्फ अपडेट हो रहा है, तो ऑर्डर स्टेटस किसने अपडेट करना है वो भी हम अपडेट करेंगे ना यार। इनवॉइस स्टेटस तो साथ हो रहा है कंप्लीट अपडेट, लेकिन ऑर्डर स्टेटस भी होना चाहिए अपडेट। यानी कि जब हम पेमेंट कलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर के ऊपर जो स्टेटस आता है ऑर्डर का, यहाँ पे ये न्यू ऑर्डर, इसको अगर हमने फुल पेमेंट कलेक्ट की तो ऑर्डर स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। इसमें एक एरर आ रहा था, यहाँ पे हमने आफ्टर अपडेट इवेंट चाहे क्या आ रहा था, नेट आर एस पी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टोटल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सो इसका ऑटोमेटेड होगा इसलिए एरर आ रहा है। तो हम जाते हैं इनवॉइस, इसको पहले हम क्लोज करते हैं, इनवॉइस टेबल में जाते हैं और डिस्काउंट नेट आरएसपी बिल्कुल कैलकुलेटर है, इसी वजह से वो एरर आ रहा था हमें। तो हम इनवॉइस फॉर्म में जाते हैं और इसका जो हमने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है उसको डिलीट करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होंगे। तो ये करेक्शंस छोटी मोटी जो है वो चाहिए होती हैं आपको। एम्प्लॉय वन सेल्स ऑर्डर्स, लेट्स कट। अच्छा, ये रिजर्व है अभी, इसको कंफर्म करना है। कंफर्म हो गए, सेव, ओके। यहाँ पे लेट्स से 5% देते हैं। अच्छा, इसकी अब वो भी चेंज होने वाली होगी। देखा भाई, बहुत आपको हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, हर चीज़ को देखना होता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इनवॉइसेस में जाएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज, लॉन्ग इंटीजर नहीं चाहिए, यहाँ पे डबल चाहिए। यस, ओके। और क्या था, चलें लॉग इन कर लेते हैं। अब अगर हमारी इनवॉइस क्रिएट होती है तो सेल्स ऑर्डर्स कंफर्म हो गया है, क्रिएट इनवॉइस, अब 5% देते हैं, अब हो गया डिस्काउंट, सेव हो गया। कलेक्ट पेमेंट, फिर मैंने ज़ीरो कलेक्ट पेमेंट की है यार, 143.95। देखा, अच्छा, जब अगर ये इनवॉइस नंबर क्रिएट हो गया है और मैं क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करूं तो नई इनवॉइस नहीं क्रिएट हो, देखिए नई इनवॉइस क्रिएट कर दी उसने। बेसिकली जो इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है वही ओपन होनी चाहिए। तो ये भी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, इसके पीछे एक लाइन का कोड है लेकिन वो करना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ आप लोग कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो, यार ये क्या कर रहा है यार, ये बार बार लॉग ऑफ, लॉग इन, बैक एंड पे जाता है, कोडिंग करता है। भाई इसी को टेस्टिंग कहते हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप एक एक सिनेरियो को चेक कर रहे हो, अगर ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपने चेक करनी होती है।
अगर इनवाइस का नंबर ऑलरेडी इधर दिया गया, इनवाइस इसका मतलब इनवाइस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो फिर नई इनवाइस क्यों क्रिएट हो भाई? टेक्निकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनवाइस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, एक और आप इनवाइस क्रिएट कर रहे हो। हाँ, अगर आपने पेमेंट स्प्लिट की है तो अगर आप दूसरी इनवाइस क्रिएट कर रहे हो तो मेक सेंस, बट अगर आपने पहले ऑलरेडी एक ऑर्डर की, स्प्लिट भी नहीं की पेमेंट, इनवाइस क्रिएट हो चुकी है, तो दोबारा नई इनवाइस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, वही इनवाइस को ओपन होना चाहिए एडिट मोड में या व्यू में, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो इधर मैं लिखूंगा else if me dot invoice number dot value greater than zero then to cmd dot open form, कौन सा फॉर्म? हमें ये इनवॉइस एफ, ये वाला फॉर्म ओपन करना है। और कैसे ओपन करना है? हमें जो इनवॉइस नंबर इस ऑर्डर नंबर में ऑलरेडी है उसी का वही इनवॉइस वाला फॉर्म ओपन करना है। सो हम ये देंगे इनवॉइस आईडी एम्परसैंड मी डॉट इनवॉइस नंबर डॉट वैल्यू, ठीक है। सो ये कोड लगाना बहुत ज़रूरी था। ओके, होपफुली अभी स्मूथ ऑपरेशन जाएगा। एम्प्लॉय वन, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं इसलिए बार बार करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको ये नहीं समझोगे यार ये पता नहीं ऐसे क्यों दिखा रहा है, बट ये ज़रूरी हैं ये चीज़ें, ठीक है। 143.95 ये पेमेंट कलेक्ट करनी है, सेव किया कलेक्ट। दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज द अमाउंट कलेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द नेट आरएसपी। कैसे भाई? 143.95 हाउ इट इज ग्रेटर? चलो जी, एक और एरर मिल गया। देखा, यही मैं कहता हूँ, हर सिनेरियो चेक करो। ओके, सो मी डॉट अमाउंट कलेक्टेड और वैल्यू इज ग्रेटर देन नेट आरएसपी। सो मी डॉट नेट आरएसपी अमाउंट कलेक्टेड दोबारा देखते हैं। सेल्स ऑर्डर्स इसकी करते हैं इनवॉइस। चार नंबर ऑर्डर है, अब हो गया पता नहीं कैसे। एनीवे, होता है कभी कभी यार, दिस प्रॉब्लम हैपन्स। अब ये वेरीफाई में क्यों नहीं आ रहा इनवॉइस? कम ऑन मैन, अगर ऐसे ही एप्लीकेशन दे दी जाए तो कस्टमर तो जो आपका होगा ये अगर आप इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं टेस्टिंग, इसीलिए मैं कब से लगाऊँ टेस्टिंग करने में आपके सामने, क्योंकि मुझे ये सीरीज़ ख़त्म करनी है, वो टेस्टिंग के बगैर मैं नहीं कर सकता ख़त्म। इसलिए इनवॉइस नंबर 6 ओपन हो रहा है ऑर्डर नंबर 4 के लिए, परफेक्ट वेरीफाई हो चुकी है जी, अब सही काम कर रहा है। ओके, न्यू ऑर्डर में जाते हैं, इसको भी रिज़र्व कर लेते हैं, रिजर्व कंफर्म कर लेते हैं, इसकी इनवॉइस क्रिएट करते हैं। 159.50 ओके, परफेक्ट, अभी सही काम कर रहा है। ओके जी,
इसकी भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं। राइट, परफेक्ट। सो ये था जनाब हमारा POS सिस्टम। हमने मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। बाय नॉट एनी मीन्स ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, नॉट एट ऑल, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स अभी नहीं बनी। रिपोर्ट्स बनाने के लिए कुछ और क्यूरीज भी बनानी पड़ेंगी, फिर आपका अकाउंटिंग स्ट्रक्चर प्रॉपरली। हमने डेटा तो ले लिया, हमने डेटा हम ड्राइव करेंगे, जो हमने डेटा क्रिएट किया, यानी कि जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल में जाएगा, जो हम एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा अकाउंट पेएबल में जाएगा। तो वो सिर्फ ये है कि कंबाइल करके क्यूरीज में वो डेटा प्रेजेंट करना है, वो सिर्फ रह गया। तो वो फ्यूचर में मैं कभी ज़रूर रिपोर्ट्स के बारे में पर्टिकुलरली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कि हमें यहां पर रुकना चाहिए, क्योंकि इसका जो हमने मेन स्ट्रक्चर है, डेटाबेस, जो फॉर्म्स हैं वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। मेरा आइडिया सिर्फ ये था ये सीरीज़ बनाने का कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि कैसे VBA कोड इस्तेमाल करना है, कैसे डेटाबेस स्ट्रक्चर करना है, डेटाबेस स्कीमा कैसे क्रिएट करना है, कैसे रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे SQL का इस्तेमाल करना है, कैसे रो सोर्स का इस्तेमाल करना है, कैसे डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो VBA के साथ। तो मेरा ये आइडिया था आपको दिखाने के लिए। अब आपको ये अगर आपने नॉलेज ले लिया है, उस नॉलेज को आप प्रैक्टिस में लेके आओ, उसको ज़्यादा फैलाओ और अपने हिसाब से अपनी एप्लीकेशंस को बनाओ, यही आइडिया देना होता है। और मैं समझता हूँ कि जितना मुझे पता मैंने कोशिश की आपको बताने की, और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। अगली जो सीरीज़ आएगी वो या तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में आएगी या स्कूल मैनेजमेंट, दोनों के में टाई है, मैं देखता हूं कौन सा हम स्टार्ट करें। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, देखते रहें इसी चैनल को, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और मिलता हूं मैं आपके साथ।